तो भाइयों राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ KTM एडवेंचर 250 का। ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग दोनों ये बाइक है, तो एक डिटेल में रिव्यू करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर ये बाइक आप लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अब लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में पता चल जाएगी। एक क्विक रिव्यू होगा ताकि कम से कम समय में मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। लास्ट में मैं इसका ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको DRL का सेटअप मिल जाता है, LED के हेडलाइट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। और साइड में टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं LED के। मैं एक बार इसको ऑन भी करके दिखा देता हूँ, ऑन करने के बाद और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सेटअप लग रहा है। फ्रंट से आप देख सकते हैं 2 DRL आपको जलते हुए मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और चलते हैं अपने वापस से फ्रंट लुक में। तो फ्रंट में आप ऊपर आप देख सकते हैं वाइट ट्रांसपेरेंट ये वाइज़र मिल जाता है हाफ, आप चाहें तो फुल भी लगवा सकते हैं इसमें, अभी इसमें हाफ लगा है। तो नीचे आपको नंबर प्लेट का स्पेस मिल जाता है हेडलैम्प्स के जस्ट नीचे। साइड प्रोफाइल से बात करें तो साइड में आपको WP Apex के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी गई है बाइक, तो आपको कंफर्ट उसी हिसाब से मिला है इसमें। आपको फ्रंट में देख सकते हैं मडगार्ड के ऊपर स्टिकरिंग मिल जाती है ऑरेंज कलर की, ग्रे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रहा है। फ्रंट में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, कुछ अलग डिज़ाइन के कुछ यूनिक अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और टायर भी मिल जाता है, टायर की अपग्रेड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाता है। डिस्क की बात कर लेते हैं तो आपको 300 mm की डिस्क मिल जाती है विथ ABS, डुअल चैनल ABS के साथ आती है। साइड में आपको KTM की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, और ये सब पूरी आपको फाइबर बॉडी इसमें मिलती है। जो ग्राफिक्स हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन है ऑरेंज और वाइट का, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। 250 की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है इसी के साथ साथ। और साइड प्रोफाइल से देख सकते हैं बाइक की जो लेंथ है वो काफ़ी है, नॉर्मल बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको लेग गार्ड मिल जाता है, साइड गार्ड। नीचे आपको मिल जाता है KTM की एडवेंचर का 250 cc का आपको इंजन मिल जाता है। तो इंजन की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है। ऑफ रोडिंग पर भी जैसे आप जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस इंजन की पावर आराम से देखने को मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे रियर ब्रेक का सेटअप मिल जाता है, आप देख सकते हैं पीछे साइड स्टैंड मिल जाता है, डुअल स्टैंड इसमें नहीं आता है, इस साइड स्टैंड के साथ आती है। फिर आप थोड़ी पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे ओपन चेन कवर मिल जाता है, आप देख सकते हैं इजीली हाफ चेन नीचे की ओपन है। बाकी आप रेयर पे चलते हैं तो रेयर पे आप टायर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाला मिला है, और रेयर में मोनोसॉक सस्पेंशन भी आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे भी डिस्क मिल जाती है और ABS भी मिल जाता है पीछे भी। टायर की ग्रिप देख सकते हैं, मोनोसॉक सस्पेंशन आपको मिल जाता है वाइट कलर का, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। डिस्क आई थिंक 270 या 240 mm के आसपास की डिस्क है। एग्जॉस्ट मफलर इसका रिप्ड मिल जाता है, बट जो आवाज़ है, जो बेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब बढ़ते हैं, इस तरफ भी आपको सेम मिल जाता है, यहाँ पे आपको ब्रेक पैडल मिल जाता है, इस तरफ भी आपको इंजन मिल जाता है, इंजन के ऊपर ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी साइड प्रोफाइल से KTM के आपको दोनों तरफ ब्रांडिंग मिल जाती है, और सेम स्टिकर सेम ब्रांडिंग सब मिल जाती है। सीट दिखा देता हूँ, पहले आपको अच्छा टेल लाइट दिखा देता हूँ, टेल लाइट नहीं दिखाई थी, तो ये इसकी टेल लाइट है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। एक बार ऑन भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो टेल लाइट आप देख सकते हैं, अब काफ़ी अच्छी लग रही है, छोटी सी टेल लाइट है पर विजिबिलिटी भी काफ़ी बेहतरीन। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, इसके जस्ट ऊपर आपको नंबर प्लेट का स्पेस मिल जाता है, और टेल लाइट देख सकते हैं। फिर इस तरह आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, स्प्लिट ग्रैब हैंडल, KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है सीट के ऊपर। सीट की जो लेंथ है वो काफ़ी आगे तक है, मतलब 3 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे इसमें, लेंथ इतनी मतलब टैंक तक है ना इसकी लेंथ। फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको, ये पूरी फाइबर बॉडी मिलती है, और माइलेज आपको 20 से 25 का दे देगी, इससे ज़्यादा तो नहीं देगी, 250 cc की बाइक है। अब पढ़ते हैं इंजन ये मीटर कंसोल पे, तो आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है, सारे इसमें कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिल जाते हैं, साइड स्टैंड, टाइमर, ओडोमीटर, RPM, स्पीडोमीटर, इंजन किल का, और सब कुछ, मतलब जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सब मिल जाते हैं। लाइट भी आपको मिल जाती है, और हैंडल पे दिखा दें तो नॉर्मल बटन्स मिल जाते हैं, बटन्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये थोड़ी सी कमी लग रही है। और आपको साथ ही में नकल गार्ड मिल जाते हैं, ये एसेसरीज़ का पार्ट है, आप चाहे तो लगवा सकते हैं या नहीं भी लगवा सकते हैं, बट नकल गार्ड अच्छे लग रहे हैं। ऑन रोड प्राइस की बात कर लूँ इस बाइक के,
इस तरह आपको इंजन किल का सेटअप मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ऑन रोड प्राइस की बात कर लूँ तो ये आपको पड़ जाती है 2.5 लाख के आसपास, और 10,000 रुपये डिस्काउंट भी हो जाएगा। ये मैंने लखनऊ टेढ़ी पुलिया के बारे में बताया है, वहाँ पे आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। और इसकी डिटेल के लिए 2.5 लाख की बाइक है और 10,000 डिस्काउंट हो जाएगा आपको, ये वीडियो का रेफरेंस दे दीजिएगा। टेढ़ी पुलिया आदर्श नगर आलमबाग के पास जो शोरूम है उसका मैंने ये सब बताया है प्राइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, राम राम।